धनिया आ गया, ये आ गया धनिया, चुकंदर, अदरक, ये आ गया अदरक, ये फेमस है कि ये नव भारत न्यूज़पेपर में भी आए थे। सर यूज करते हो? ओके, तो हेलो फूडी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जोड़ी हो तो फूडी। तो आज बहुत मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश वाला मौसम था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो सोचा कि कुछ हम लोग कुछ बाहर निकल के आज कुछ अच्छा खाते हैं, थोड़ा स्ट्रीट पे कुछ जाके खाते हैं। तो हमारा मन किया कि आज हम लोग छोले कुलचे खाते हैं, बहुत दिन से नहीं खाए थे। तो हम लोग एक फेमस जगह पर आए थे, हर्ष छोले कुलचे वाले के यहाँ पर आए थे। इनके यहाँ पर बहुत फेमस है ये कुलचे के लिए, इनके और बहुत वैरायटी के कुलचे देते हैं और साथ में इनकी कचौड़ी भी बहुत ही फेमस है। तो गाइस चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं अलग अलग चीजें, कचौरी ट्राई करते हैं, इनकी मटर कचौरी, इनके जो कुलचे हैं वो देखते हैं क्या वैरायटी यहाँ पर है। इनके ओनर से भी बात करेंगे, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के ओनर से। तो आपका नाम क्या है सर? हर्ष। तो ये कितनी साल पुरानी आपकी दुकान है? ये 23 साल पुरानी दुकान है। कितनी साल? 23 साल। 23 साल पुरानी इनकी दुकान है ये। और आपके यहाँ पे स्पेशल क्या मिलता है खाने के लिए? मटर कचौड़ी है, मटर कुलचा है। अच्छा, पनीर कुलचा है, प्याज कुलचा, मसाला कुलचा है। अच्छा अच्छा, तो बहुत दूर दूर से आपके यहाँ पे लोग खाने के लिए आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। अच्छा अच्छा, तो ये सिविल लाइन्स वाले आपने नाम कैसे रखा है इसका? वो रिश्तेदार ही में लगते हैं। अच्छा, तो इनके रिश्तेदार लगते हैं। ओके, तो यहाँ पे टाइमिंग्स क्या होते हैं आपके दुकान के? सुबह 8:30 से रात 8:30 बजे तक। ओके, मॉर्निंग 8:30 टू शाम को 8:30 तक ये रहते हैं। और यहाँ का आप एड्रेस बता दीजिए, एड्रेस क्या होगा? सेक्टर 7 C7/223। C7 Sector 7/223। ओके, तो ये सारे दिन खुला होता है, सातों के सातों दिन? हाँ जी, सातों दिन खुला होता है। ओके, तो बहुत ही मतलब ज्यादा लोग डिमांड क्या करते हैं, क्या आप खाना पसंद करते हैं आपके यहाँ पे? ज्यादा लोग मटर कचौड़ी खाते हैं। अच्छा, मटर कचौड़ी खाते हैं, फेमस है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत फेमस है। तो ठीक है, हम भी इनकी मटर कचौड़ी ट्राई करेंगे और बहुत सारे कुलचे हम इनके ट्राई करेंगे। तो गाइस अभी ये छोले प्रिपेयर कर रहे हैं, देखते हैं इनके छोले कैसे तैयार होते हैं। ये बड़े से इन्होंने बर्तन में बहुत सारे छोले तैयार करके रखे हैं, उनको ये अच्छे मसाले डाल के अभी प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें गया टमाटर, ये प्याज है, ये आ गई प्याज, ये आ गया धनिया, चुकंदर, ये आ गए अदरक के लच्छे, ये 20-22 मसाले हैं। कौन से मसाले ये? 20-22 मसाले हैं भैया इसके अंदर। अच्छा, 20-22 मसाले। ओके, खुद के बनाए हुए हैं आपके? ये काला और सफेद नमक होता है। काला और सफेद नमक आ गया, और ये पीली मिर्च हो गई, ये आ गई पीली मिर्च, ये डालेंगे अब नींबू, ये आ गया इनका बहुत सारी क्वांटिटी में, अब ये नींबू निचोड़ेंगे इसके अंदर। अब होगी इसकी अच्छे से मिक्सिंग। तो ये जो सारे कुलचे मिलते हैं उनके साथ यही छोले एक जाते हैं? अच्छा अच्छा, कचौड़ी के साथ में भी यही छोले आते हैं। ओके, देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसके मिक्सिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा चूल्हा लगाया हुआ है, उस पे ये हौले हौले थोड़े से गर्म होते रहते हैं धीरे धीरे। तो गाइस देखिए इतने फेमस है कि ये नव भारत न्यूज़पेपर में भी आए थे, 1-1.5 महीने पहले की बात है, और इनका ये न्यूज़पेपर में भी आया था कि कितनी फेमस है और ये कितने स्वादिष्ट कुलचे बनाते हैं और मटर कचौड़ी वगैरह कितना फेमस है। आप देख लीजिए कि न्यूज़पेपर में इनका नाम आया है। तो गाइस ये यहाँ पे बता रहे थे कि इसमें फिर से ये छोले उबल रहे, इनके तैयार हो रहे, जो इसमें बड़े इसमें थे ये खत्म होने आ रहे हैं अब इनके, तो इन्होंने तैयारी कर दी है दूसरे लॉट के बनाने की। तो देखिए इनकी दीवानगी, देखिए यहाँ पे छोलों की बेहतरीन तैयारी चालू है और यहाँ पे कुलचे सीखते रहते हैं। तो गाइज अभी हमारे लगने जा रहे फ्राई वाले छोले कुलचे, तो इन्होंने पहले डाल दिया अमूल बटर। तो आप अमूल बटर ही यूज करते हो? ओके, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अच्छी क्वालिटी का बटर ही यूज कर रहे हैं। अब क्या जाएगा इसमें? प्याज। अभी इन्होंने डाल दिया इसमें प्याज, टमाटर, ये आ गए टमाटर, ये आ गए अदरक के लच्छे और चुकंदर के लच्छे। अब इसमें जा रही है हरी मिर्ची, इन्होंने डाल दिया अब अपने मटर, जो छोले बोलते हैं हम। मसाला, कौन सा मसाला होता है ये? अपना हाथ का बना हुआ मसाला है। ओके, इनका ये जो हाथ का बना हुआ मसाला है ये डाल दिया इन्होंने।
काला नमक व्हाइट नमक। ओके, काला नमक व्हाइट नमक आ गया इसमें अभी। ये है इनकी पीली मिर्च, वाह। इसमें डाल दिया इन्होंने नींबू। अब इसकी होगी अच्छे से मिक्सिंग। ये हल्दी थोड़ी सी डाल दी इन्होंने इसमें, हल्दी। फिर डाला बटर, ये ऊपर से और डाल रहे हैं अमूल बटर। हो चुके हमारे छोले फ्राई, वाह। ये आ गए ऊपर से और लच्छे, अदरक और चुकंदर के लच्छे आ गए। ये हो चुके हैं डन, ये फ्राई कुलचा हो रहा है। तो क्या क्या आएगा इसमें? इसमें कुलचा है, इसके बाद प्याज फ्राई होगी, टमाटर ग्रेवी की चटनी डलेगी उस पे। अच्छा अच्छा, पनीर वगैरह लगा के फिर दिया जाएगा आपको। ओके, अभी ये पूरा कुलचा लाल होगा। अच्छा, पूरा अच्छे से इसको लाल कर दोगे आप सेक सेक के? किस चीज में सेकते हो ये? बटर में, अमूल बटर में। ओके, सारी चीजें मतलब अमूल बटर में ही सेकते हैं यहाँ पर? अच्छा, अब इन्होंने ये डाल दिया है अमूल बटर के अंदर प्याज, और ये आ गई है इनकी ये ग्रेवी। किस चीज की ग्रेवी है ये? टमाटर प्याज की ग्रेवी होती है। ओके, टमाटर प्याज की ग्रेवी आ गई है इसमें। ये पनीर डाल रहा है, ये ऊपर से क्रश कर रहे हैं पनीर। तो ये हमारे कुलचे पे आ गई है, इन्होंने जो फ्राई किया था प्याज और पनीर डाला था इसमें, टमाटर और प्याज की चटनी भी डाली थी इन्होंने, ग्रेवी बोलते उसे। तो देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है अब ये ऊपर से आने के बाद। ये डाल दिया इन्होंने धनिया, थोड़ा सा मसाला। कौन सा मसाला होता है ये? ये घर का बना होता है, ये हाथ का बना होता। अच्छा अच्छा, ये जो उनका 20-22 मसाले से बनता है वो डाल दिया। और ये देखिए फिर से ऊपर से इस पर पनीर क्रश करेंगे। तो कंजूसी किसी भी चीज़ में नहीं हो रही है, पनीर दोबारा डाला गया इसमें। तो अभी हमारी लगने जा रही है चुरचुर कचौरी, इन्होंने तोड़ तोड़ के इसमें कचौरी डाल दी है। ऊपर से आ गए इनके ये बेहतरीन से छोले। और ऊपर से डाल दी इन्होंने धनिया पुदीने की चटनी, और ऊपर से आ गई आमचूर की चटनी। आ गए प्याज, अदरक के लच्छे और धनिया, और ये मसाला। ये हो चुकी है हमारी चुरचुर कचौरी रेडी। ये हो रहा हमारा कुलचा रोल तैयार। प्रिपरेशन और इंग्रेडिएंट तो सेम ही है, इसको ये रोल के इसमें पैक करेंगे, अभी रोल की तरह तैयार कर देंगे इसको पूरा। अच्छा, इसमें आएगी इनकी ये खस्ता कचौड़ी ऊपर से, और इसको अभी ये रैप कर देंगे रोल के जैसे। ये देखिए, क्या आपने कभी खाई है ऐसी कुलचा रैप रोल? कमेंट में बताइएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं जल्दी से सारी चीज़ों की टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इनके चुरचुर मटर कचौरी, यहाँ की बहुत फेमस है और बहुत से लोग यहाँ पे दूर दूर से इसे खाने आते हैं। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। देखो देखने में तो बिल्कुल टेम्पटिंग है, जैसे चटपटी चीज़ें हम खाते हैं ना, स्ट्रीट फूड वैसा ही है। तो चलो अभी इसे खा के देखते हैं। आपने मेकिंग सारी इसकी देख ली होगी, दिखने में देखो कितना माउथ वाटरिंग है बिल्कुल। अभी लेट्स ट्राई। जो मेरे जैसे चटोरे या जिनको चटपटा खाना बहुत पसंद है, उनके लिए परफेक्ट स्ट्रीट फूड कह सकते हो। दिल्ली में बहुत फेमस है ये, जो आप देखते हो मटर कचौरी बहुत सी जगहों पर बिकती है, लेकिन इतनी टेस्टी मुझे तो यहाँ की बहुत अच्छी लगी। तो चलिए अभी नेक्स्ट ट्राई करेंगे हम इनका कुलचा रोल। ये नॉर्मल मैदे वाला कुलचा ही है, इसके अंदर मटर छोले भरे गए हुए हैं और कचौरी भी क्रश करके दी गई हुई है। इसकी मेकिंग भी आपने देखी होगी, तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। मैं इसे हल्की चटनी के साथ ट्राई, मुझे नहीं पता है चटनी क्या किस चीज़ के, बट अभी ट्राई करते हैं। ये चटनी के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये जो थोड़ी मीठी वाली चटनी है, बट बहुत सही लग रहा है। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं इनके सूजी वाला कुलचा, एंड साथ ही में है छोले। आपको सलाद देखने मिलेगा और यहाँ पर कुछ मीठी चटनी भी है। इसके ऊपर अदरक के लच्छे डाले हुए हैं, थोड़ी सूखी सब्जी जैसी है। इसे ट्राई करते कुछ तो बात है इस चटनी में, बहुत सही है। तो साथ में गाजर और मिर्ची का अचार भी है,
इसके साथ भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। लेकिन जिनको थोड़ा हेल्दियर वर्जन पे जाना है कुलचे के लिए, तो आप सूजी वाला कुलचा ट्राई कर सकते हो। जनरली जो कुलचा होता है वो मैदे का होता है, बट यहाँ पे इन्होंने एक हेल्दियर ऑप्शन भी रखा हुआ है आपके लिए, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं इनका मसाला फ्राइड कुलचा। फ्राइड है तो थोड़ा क्रिस्पी तो होना ही है इसे। थोड़ा जो ऊपर की टॉपिंग है वो हम लेते हैं एंड इसे थोड़ी सी छोले के साथ में हम इसे ट्राई करके देखेंगे। काफ़ी टेस्टी है, सिमिलर है इससे, लेकिन इसमें एक बात अलग है कि यहाँ पर जो आपको अनियंस की टॉपिंग है वो मिल जाएगी, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल सिमिलर है कुलचे के। तो अगर आपको ऐसा कुछ अलग वैरायटी में ट्राई करना है तो आप ये दे सकते हो। तो चलिए अब है मेरी बारी टेस्टिंग की। तो पहले मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इन्होंने ना कचौड़ी इसके अंदर क्रश किया है तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये देखने में, तो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। मैं किसी का देख रहा था, हम लोग ये ऑर्डर नहीं करने वाले थे, लेकिन फिर हमने ऑर्डर किया ये। जैसे आप छोले कुलचे खाते हो वैसे ही लग रहा है, लेकिन हल्का सा ना इसमें एक मीठापन आ रहा है, और ऊपर से जो इन्होंने कचौड़ी क्रश करी थी ना उसके वजह से बहुत ही अच्छा लग रहा है ये चटनी के साथ। देखते थोड़ा सा, बाय द वे इनकी आमचूर की चटनी है। आउटस्टैंडिंग चटनी इनकी है, मज़ा आ गया। तो चलिए गाइस अब इनकी ट्राई करते हैं चुरचुर कचौरी। कचौरी को इन्होंने चुरचुर कर दिया था, इसके लिए इसका नाम है चुरचुर कचौरी। बहुत ही अच्छी थी ये दिखने में गाइस। बाहर का आप ज़रा मौसम देख लीजिए, हो रही है मस्त वाली बारिश और यहाँ पे गर्मा ऐसे मौसम में गर्मा गर्म स्ट्रीट फूड कचौरी हो, फ्राइड कुलचा हो, रोल हो, ये अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो ये रोल भी, ये भी मस्ट ऑर्डर करना। तो चलिए अब इनके ट्राई करते हैं ये सूजी वाले कुलचे। ये बाकी जो कुलचे इनके ये नॉर्मल है मैदे वाले, ये सूजी वाले कुलचे है। तो इसमें लगाते हैं हम अच्छे से छोले, प्याज तो इसके अंदर है, प्याज नहीं लगाएंगे, और थोड़ा सा इसमें चटनी में हम डिप करेंगे इसको, और ये लेंगे हाथ में हम मिर्ची का अचार। अब ये बनेगी परफेक्ट सी बाइट। तो ये इनके सूजी वाले छोले कुलचे। मुझे जो सूजी वाले सारी चीज़ें होती है बहुत पसंद आती है, जैसी गोलगप्पे की बात होती है तो मुझे सूजी वाले गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे ही इसके ये जो है सूजी वाले कुलचे बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, और ये इनका अचार ये भी बहुत अच्छा है। चलिए तब इनका ट्राई करते हैं ये मसाले में फ्राई हुआ छोले कुलचे। थोड़ा सा ये जो फ्राई किया है इन्होंने पनीर वगैरह है, इसमें प्याज टमाटर और थोड़ी सी ग्रेवी भी है टमाटर की। छोले भरेंगे एंड अगेन थोड़ा सा चटनी में डिप करेंगे। ये बहुत बड़ी सी वाइट बनी है। जो इन्होंने तड़का मारा है ना ये प्याज और टमाटर का, उन्होंने अमूल बटर यूज़ किया है, और जो सारी चीज़ें यहाँ पे सिक रही है या पक रही है, प्रिपरेशन जो भी हो रही है ना, सब में इनका अमूल बटर यूज़ हुआ है। तो इनकी सारी चीज़ें ट्राई कर ली, मुझे तो बहुत मज़ा आया। अब हम इसे फिनिश करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो गाइस ऐसे मज़ेदार मौसम में ऐसे मज़ेदार खाना जब मिल जाता है तो मतलब क्या बात हो जाती है सच में। तो आज का जो हमारा मील था वो बहुत मज़ा है हमें खाने में। कुलचे हमने खाए, मटर कचौरी खाई मैंने, आई थिंक यहाँ पर दिल्ली में फर्स्ट टाइम खाई है, मुंबई में तो मिलती नहीं है जल्दी से, ये दिल्ली की फेमस आइटम है, स्ट्रीट फूड में से एक है, तो बहुत मज़ा आया। बाकी सारी चीज़ें आपको वीडियो में देखने मिली होगी, लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रेटिंग्स आपने देख ली, रिव्यूज़ आपने देख लिए। तो आप भी अगर आपको ट्राई करना है यहाँ पर तो आप आके यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। हमारा मेरा फेवरेट जो यहाँ पर था वो मटर कचौरी थी, और इनका जो फ्राइड वाला कुलचा था ना वो मेरा वो भी बहुत टेस्टी था, और इनका जो रोल था ना उसमें उन्होंने वो क्रश करके जो कचौड़ी डाली थी ना उसके वजह से बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही यूनिक लग रहा था, एक फ्यूजन सा हो गया था वो भी बहुत अच्छा लगा। और इनकी मतलब जो हम लोग ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ भी लगी हुई थी, तो समझ में आ गया अभी खा के कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई थी। गाइस हमने अंत में एक रायता मंगाया था जो हमने शूट रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन वो रायता भी इतना रिफ्रेशिंग था,
तो बहुत सही था। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तब तक आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।